हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपली एजुकेटेड में। और आज तारीख है 16 जनवरी 2021 और आज हम दैनिक जागरण में निकलने वाली जो इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पेज, आइए आज का न्यूज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो आज निकली हुई है, आज से टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा पूरे देश में। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी से टीकाकरण के स्टार्ट होने की बात कही थी, जो कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग में 1.5 लाख के आसपास की डोजेस जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट से, जो कि पुणे में स्थित है, वहां से पूरे देश में सप्लाई कर दी गई थी। आपको पता है कि हमारे देश में इस समय दो टीकों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। पहला जो टीका है वो है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि पुणे में स्थित है। और दूसरा जो टीका है वो उसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, जिसमें से 1 करोड़ मेडिकल कर्मचारी होंगे और 2 करोड़ वो लोग होंगे जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कि जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं। ये जो टीकाकरण है वो जन भागीदारी सिद्धांत पर आधारित है। डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने पूरी तैयारियों की जाँच कर ली है और पूरे देश में करीब 3,000 सेंटर्स पर टीकाकरण स्टार्ट होगा। पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। जब इस टीके का दूसरा चरण स्टार्ट होगा तो उसमें करीब 27 करोड़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये 27 करोड़ लोग वो लोग होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होगी या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टीकाकरण ड्राइव के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है, जो है 1075। तो आप इस हेल्पलाइन पर डायल करके कोविड के जो टीकाकरण चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज निकली है कि वो किसानों के साथ में सरकार की जो 9वें दौर की वार्ता थी वो भी असफल रही, कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं उनके साथ में वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने करीब 40 किसान संगठनों के साथ में बैठक की और इस बैठक में फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यों की समिति बनाई थी किसान इस पूरे मैटर में मीडिएट करने के लिए, लेकिन इन 4 सदस्यों की कमेटी के जो एक मेंबर थे भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने ऑलरेडी इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। और जो किसान संगठन है उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई इस समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की जो है अपनी बात को रखने से मना कर दिया है। तो फिलहाल जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो ये गतिरोध है बातचीत में इसको समाप्त किया जाए और जो भी मांगे हैं किसानों की वो पूरी की जाए। लेकिन किसानों ने अभी तक अपनी जो कृषि कानून है उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की मांग नहीं कर रहे हैं, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि उनको जो है कृषि कानून वापस चाहिए। और इसी समय आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है, अभी किसान कानून लागू नहीं होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट आगे कोई आदेश नहीं करेगा। अगली न्यूज है, कल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस था, तो इस दिवस के मौके पर हमारी जो आर्मी के तीनों चीफ हैं, आर्मी के चीफ MM नरवणे जी, नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तथा वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया जी उपस्थित थे इस मौके पर। तो ये जो हमारी इंडियन आर्मी दिवस था तो इस मौके पर MM नरवाने जी ने बताया कि इंडिया जो है वो चीन के साथ में किसी भी प्रकार के चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है और पूरी पूरी तरीके से उसका डट के मुकाबला करेगा। उन्होंने ये बताया कि चीन के साथ में भारत की जो सैन्य वार्ता है वो 8 दौर उसके पूरे हो चुके हैं। लगातार 8 बार हम लोगों ने कमांडर लेवल की जो वार्ता है चीन के साथ में वो लगातार चल रही है और भारत यह चाहता है कि दोनों देशों के जो अधिकार हैं और जो समान क्षेत्र हैं वो सुरक्षित रहें और साथ ही साथ दोनों देशों में जो बाउंड्री का जो विवाद है वो शांतिप्रिय ढंग से सुलझे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर चीन लगातार हम लोगों को आंख दिखाता है और भारत के धैर्य की परीक्षा लेता है तो ये चाइना के लिए महंगा पड़ेगा। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में US में व्हाइट हाउस ने कुछ ऐसे दस्तावेज थे 2018 के जिनको उसने खुलासा किया, पब्लिक किया, और उसमें बताया गया है कि US जो है इंडिया को ना सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से
पूरा सहयोग करेगा, बल्कि डिफेंस में भी पूरा सपोर्ट करेगा, ताकि वो चाइना की जो उभरती हुई पावर है उसको पूरे एशिया रीजन में बैलेंस किया जा सके। क्योंकि अब यूएस भी जानता है कि चाइना को बैलेंस करने के लिए सिर्फ इंडिया ही चाइना को बैलेंस कर सकता है इस क्षेत्र में। उसके बाद में अगली न्यूज है कि गाबा में जो इस समय क्रिकेट टेस्ट चल रहा है उसमें सिराज और सुंदर जो कि बॉलर्स हैं दोनों, आपको पता है सिराज पेसर बॉलर हैं, उनको दोनों लोगों को काफी अपशब्द कहे गए चौथे टेस्ट में, और आपने देखा था कि तीसरे टेस्ट में सिडनी में भी मोहम्मद सिराज पर कुछ नस्ली टिप्पणियां की गई थी। तो ये जो दौर है टिप्पणियों का ये लगातार चल रहा है, इसमें ये फ्रंट पेज पर बताया गया है, तो इस न्यूज को दैनिक जागरण ने फ्रंट पर जगह दी हुई है। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दिल्ली से, जहां पर पॉल्यूशन की वजह से वहां की जो एयर है वो बहुत ही जहरीली होती जा रही है। कल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 460 था, उससे पहले का जो AQI था, AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो जो इससे पहले का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 429 था। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसमें कई सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि जो प्रदूषक तत्व हैं उनको रखा जाता है और उनकी मात्रा नापी जाती है। उनकी मात्रा जैसी होती है उसके हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स डिफाइन किया जाता है, यानी कि जैसे सल्फर ऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और PM2.5, PM10। तो ये नोटिस किया गया कि जो PM2.5 है उसकी मात्रा करीब 342 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, और जो हमारी और जो PM10 है उसकी मात्रा करीब करीब 519 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। तो लेकिन जो इनकी नॉर्मल मात्रा है वो होनी चाहिए, जैसे PM2.5 है तो इसकी मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए, और जो PM10 है इसकी जो नॉर्मल मात्रा है वो 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि जो PM10 है यानी कि पर्टिकुलर मैटर 10 जो पूरे पर्यावरण में घूम रहे हैं या पूरे पर्यावरण में जो तैर रहे हैं वो 5 गुना है, और करीब करीब जो PM2.5 है वो करीब करीब 6 गुना ये भी पूरे पर्यावरण में तैर रहा है। तो इस तरीके से जो इस समय एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। इसका सिर्फ एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि इस समय दिल्ली में ना तो कोई बारिश हो रही है और ना ही हवाएं चल रही, और जो ओस है वो लगातार घनी होती जा रही है, तो जिसकी वजह से जो प्रदूषक तत्व हैं पानी के जो कण होते हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं, इनके चारों ओर चिपक जाते हैं, जिससे जो हवा होती है वो काफी थिक हो जाती है और कंसेंट्रेटेड हो जाती है, और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दिल्ली में इस समय लोगों को गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत, इचिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो हैं वो इस समय नेपाल पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि वो श्रीलंका गए हुए थे, वहां पर उनकी जो है उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात हुई। उसके बाद में अभी वो नेपाल गए हुए हैं, और नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार ग्यावली जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। आपको पता होगा कि इंडिया नेपाल के बीच में टेंशन स्टार्ट हुई जब नेपाल ने अपने संविधान में कुछ परिवर्तन किए, संविधान संशोधन किया, और उसमें इंडिया की टेरिटरी के 3 क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, इन 3 क्षेत्रों को उसने अपने क्षेत्र में दिखाया था, अपने नक्शे में दिखाया था। ये तीनों जो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र से आगे आपको पड़ते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र जब नेपाल ने अपनी मैप में दिखा दिए थे उसके बाद में इंडिया ने इसको विरोध किया था, क्योंकि ये नेपाल का डिसीजन एक तरफा था, नेपाल ने इंडिया से इसके लिए कोई भी बातचीत नहीं की थी। तो फिलहाल लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वो बहुत ओपन है और बहुत ही फ्रेंडली बॉर्डर है, हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का बॉर्डर डिमार्केशन नहीं है। तो इस चीज को लेकर इंडिया भी काफी चिंतित था जो नेपाल ने स्टेप उठाया था। इसके पीछे एक और हाथ है कि चाइना, आपको पता है कि लगातार नेपाल में हैवली इन्वेस्टमेंट करता है, लगातार चाइना को जो भी उनकी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करता है और काफी पैसा देता है नेपाल को। तो नेपाल की राजनीति में कहीं ना कहीं चाइना का जो है हाथ है इस समय, और चाइना जरूर चाहता है कि वो इंडिया को टैकल करे, जितने भी इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से अलग करना चाहता है चाइना, क्योंकि जो इंडिया की, आपको पता है जो इंडिया की रणनीति है वो बहुत ही फ्रेंडली है, और इंडिया पूरे क्षेत्र को एक समृद्ध और विकसित चाहता है। तो इंडिया के विदेश मंत्री और नेपाल के विदेश मंत्री के बीच में कुछ आर्थिक संबंधों से लेकर बातचीत हुई, साथ ही साथ इस बॉर्डर वाले इश्यू से भी रिलेटेड
बातचीत हुई कि किस तरीके से इसको हम सुलझा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने कोविड के दौरान नेपाल को जो पीपीई किट है और बहुत सारी जो मेडिसिंस हैं वो भेजी थी, और अब नेपाल सरकार ने जो भारत में निर्मित कोविशील्ड, जो इस समय हमारे यहाँ टीकाकरण चल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित कोविशील्ड, तो उसकी मांग की हुई है। तो भारत सरकार ने फिलहाल आश्वासन दिया है नेपाल को कि नेपाल अब भारत पहली अपनी जरूरतों को देखते हुए ये समीक्षा करेगा कि जब भी भारत के पास में टीकाकरण जो टीके की डोजेस हैं वो अवेलेबल होंगी तो वो सबसे पहले नेपाल को प्रायोरिटी देगा। उसके बाद में हमारी सेना में जो कल सेना दिवस था, आपको पता है, तो उसमें जो परेड होती है उसके प्रदर्शन में कल पहली बार जो ड्रोन्स हैं उनको भी शामिल किया गया। तो ये आप पूरे ड्रोन्स देख रहे होंगे, पूरा झुंड जो भी पक्षियों की तरीके से दिख रहा है, तो ये ड्रोन्स हैं। और ये ड्रोन्स जो हमारी दुश्मन की सीमा होगी उसके भीतर करीब 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं भीतर, और जो भी उनके टैंक्स होंगे या फिर जो भी ठिकाने होंगे उनके ऊपर बहुत ही लिथल तरीके से, यानी कि बहुत ही आत्मघाती तरीके से उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो भारत अब लगातार इनके जो ड्रोन्स हैं उनके डेवलपमेंट में लगातार फोकस कर रहा है, और इस समय भारत ने आईआईटी द्वारा निर्मित एक ड्रोन है उसके साथ में भारत ने जो हमारी डिफेंस सेक्टर है उसने समझौता किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन उत्पादित करें। आगे इसके बारे में एक डिटेल न्यूज है, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की डील हुई है जिससे भारत में ज्यादा से ज्यादा ड्रोन डेवलप होंगे। ड्रोन आपको पता है कि यूएस की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि पहली बात तो ये मानव रहित होते हैं और दूसरी बात इनको डिटेक्ट करना एयर स्पेस में इतना आसान नहीं होता, तो ये किसी देश की जो है राडार जो सिस्टम होता है उसमें कैद नहीं होते इतनी जल्दी से, तो आप आसानी से जो भी ठिकाने होते हैं दुश्मनों के उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद में जो नया संसद भवन है हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके जो निर्माण का कार्य है वो शुरू हो गया है। 10 जनवरी को इसका शिलान्यास हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी जिसकी वजह से कार्य फिलहाल रोक दिया गया था, यानी कि कार्य स्टार्ट नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये इशू चल रहा था कि कुछ इन्वायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड और जो नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इशू था, तो उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और बताया था कि जब भी भारत सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करती है तो एक बार जो नेशनल हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी है उससे संपर्क कर लें कि किसी भी प्रकार की जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी विरासत बिल्डिंग है, उनको तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में। तो उसकी बात ऑलरेडी सरकार ने क्लियर कर दी थी कि हम किसी भी प्रकार की विरासती जो हमारी भवन है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका जो निर्माण वो टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको जो है लिया हुआ है और इसका पूरा जो कंप्लीशन है वो 2022 तक हो जाने की उम्मीद है, यानी कि 2022 का जो मानसून सत्र होगा वो इस संसद भवन में होने की पूरी आशंकाएं हैं। आपको पता होगा कि भारत में सन 2026 के बाद में जो संसद की सीटें हैं और जो संसद की जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तक सन 2026 तक जो भी संसद की सीटें थी किसी भी राज्य में उनको बढ़ाया नहीं गया था। तो 2026 में जब फिर से रिव्यू होगा और जनसंख्या के हिसाब से जब सीटों का आवंटन होगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो सांसदों की संख्या है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। तो इसके लिए जो पुराना संसद भवन था वो तैयार नहीं था इतनी संख्या को एकोमोडेट करने के लिए, तो इस वजह से इस नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसके अंदर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक जी का आपको बताया कि रोड एक्सीडेंट में काफी चोटिल हो गए थे, उनकी वाइफ और उनके साथ में जो पीए थे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो वो अभी फिलहाल गोवा का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट है, तो उनकी कंडीशन फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है। तो उनसे मिलने के लिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी गए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके उनके स्वास्थ्य के हालचाल लिए और डॉक्टरों की टीम ने ये बात बताई है कि इनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल। उसके बाद चौथे पेज में ज्यादातर जो न्यूज है वो किसान आंदोलन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहली न्यूज जो बताई जा रही है कि IMF की जो चीफ है क्रिस्टिलिना जॉर्जिया, उन्होंने भारत में जो कृषि सुधार के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको एक सही कदम बताया है, सही दिशा में जो कि विकास की दिशा में जाता है, और उसके साथ ही साथ IMF के साथ में और जो साइंटिस्ट थे वहाँ के उन्होंने भी बताया कि जो है भारत सरकार ने कोविड के दौरान भी बहुत अच्छे कदम उठाए जिससे जो ये महामारी थी उसको एक कंट्रोल्ड बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया भारत में, और साथ ही साथ में जो
कोविड के बाद में जो भारत सरकार ने जितना इन्वेस्टमेंट किया हर एक फील्ड में, जो इकोनॉमिक रूप से पैकेजेस अनाउंस किए, तो उनसे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कई हद तक ट्रैक पर आई है। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था की गति है वो अपने पुराने स्तर पर लगभग में पहुंचने वाली है। इसके साथ ही साथ क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने एक बात ये भी कही कि वे व्यक्ति जो इस कानून से प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार को उनकी भी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ये सुधार किए जा रहे हैं तो इनके सुधारों से किसी भी प्रकार का, अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्तियों पर इसका अगर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है। आईएमएफ पूरी दुनिया में जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर एक रैंकिंग जारी करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है, जो कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने बताया कि 26 जनवरी को वो रिपोर्ट जारी होगी, जिसमें उन्होंने ये बताया है और ये उन्होंने हिंट दिए हुए हैं कि जो भारत की रैंकिंग है वो सुधरेगी, क्योंकि भारत ने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया और जो अर्थव्यवस्था जितनी लड़खड़ाई है उतना उसको लड़खड़ाने से काफी हद तक भारत ने बचा लिया था। उसके बाद में अब जब नवे दौर की वार्ता जो किसान संगठनों की और सरकार के बीच में असफल हो गई है, तो अब किसान जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और इससे ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जो राजपथ पर हमारी परेड होती है। आपको लग रहा होगा कि 26 जनवरी को क्यों ये चूज कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरी विदेश मीडिया होती है, जो पूरे वर्ल्ड की मीडिया होती है, वो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जरूर इंडिया की जो परेड होती है या फिर इंडिया में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर उनका फोकस होता है। तो अगर किसान इस तरीके का कोई भी मार्च निकालते हैं दिल्ली में, तो जरूर इंटरनेशनल मीडिया का इसके ऊपर ध्यान जाएगा। और इससे सिर्फ और सिर्फ जो किसान संगठन है वो ये चाहते हैं कि इससे इंडिया की सिर्फ बेइज्जती होगी, इंडिया की सिर्फ निंदा की जाएगी कि इंडिया जो है अपने किसानों के जो मैटर है उनको नहीं सुलझा पा रही। और यही खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं वो भी यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया की निंदा हो। मोदी जी के जो प्रयास चल रहे हैं कि वो किसानों की स्थिति को सुधारें, उनको लगातार टांग पकड़ के पीछे खींचा जा रहा है, सिर्फ यही एक उद्देश्य है। हालांकि इस ट्रैक्टर मार्च से पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़ी हुई है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट परसों यानी कि 18 जनवरी को करेगा। और सुप्रीम कोर्ट या डिसाइड करेगा कि ये जो रैली होने जा रही है, ट्रैक्टर रैली, ये होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर बैन लगाता है तो फिर ये देखने वाला होगा कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं या नहीं। उसके बाद में इसी पेज पर हमारे राहुल गांधी जी इस समय तमिलनाडु में घूम रहे हैं, तो वो लगातार, आपको पता है विपक्ष हैं, तो वो लगातार विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का। और जो है तमिलनाडु के किसानों को बता रहे हैं कि जो है किसानों का सम्मान नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और किसानों को जो है नष्ट कर देना चाहते हैं जड़मूल से। तो फिलहाल ये है हमारे राहुल गांधी जी। उसके बाद में भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन मान के नेता थे, चीफ थे, तो उन्होंने, उनका जो नाम था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई जो 4 सदस्यीय कमेटी थी, जो जिसको जो है किसानों से वार्ता करनी थी, तो उसमें उनका नाम था। तो भूपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी से पहले इस्तीफा दे दिया था। और भूपेंद्र सिंह मान ने ये बताया कि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये बात डिस्कस करने के बाद में ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने बताया कि जब इस कमेटी का गठन हुआ उसके बाद में जो किसान संगठन थे उन लोगों ने इस कमेटी के समक्ष अपनी कोई भी बात रखने से मना कर दिया था। तो उन्होंने बताया कि जब किसान संगठनों ने अपनी बात रखने से इस कमेटी के सामने मना कर दिया तो उनके इस कमेटी में रहने का कोई औचित्य नहीं था, इस वजह से उन्होंने इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद 5वें पेज पर लगातार कोरोना के टीके से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो निकली हुई है, और इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कुछ देश हैं वहाँ पर कितने टीके लग चुके हैं लगभग में इस समय, क्योंकि भारत में आपको पता है कि आज से टीकाकरण स्टार्ट हो रहा है। और पहले जो आज टीकाकरण होगा उसमें करीब 1.5 लाख के आसपास जो कोविशील्ड की डोजेज हैं वो पूरे देश में भेज दी गई हैं। तो जैसे इसराइल में करीब 93 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है, और डेनमार्क में करीब 58 लाख लोगों को टीकाकरण स्टार्ट हो गया है, और यूएस में भी करीब जो है 35 लाख खुराक जो है वो कैलिफोर्निया भेज दी गई। तो इस तरीके से कई सारे देशों में जो टीकाकरण स्टार्ट हो गया है, तो उसके स्टैटिक्स निकले हुए हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है।
लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि कौन से देश हैं जहां पर ऑलरेडी टीकाकरण स्टार्ट हो गया, जैसे इसराइल, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, अमेरिका, डेनमार्क, इटली, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, यानी कि सिर्फ यूरोपीय देश या फिर अमेरिका ही शामिल नहीं है जहां पर टीकाकरण स्टार्ट हो गया। हमारी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी टीकाकरण स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में ये है वीके पॉल जी, जो कि टीकाकरण से संबंधित जो टास्क फोर्स है उसके चीफ बनाए गए हैं और ये नीति आयोग में भी कार्य करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया है, इनका एक इंटरव्यू निकला हुआ है दैनिक जागरण में, तो वो इसमें ये बताते हैं कि 6 महीने में आम लोगों को जो है टीका उपलब्ध हो जाएगा, वैक्सीन। तो अभी फिलहाल वो बताते हैं कि सबसे पहले तो जो 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है पहले चरण में, इसमें क्या होगा कि 1 करोड़ जो मेडिकल स्टाफ है टोटल उसको लगेगा, और 2 करोड़ वो लोग होंगे जो कि फ्रंट लाइन पर रह के कोरोना के टाइम पर काम करते हैं, जैसे पुलिस हो गया या फिर रेलवे की सर्विसेज हो गई। उसके बाद में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पेज है उसमें जो है ट्रंप के प्रशासन ने जो है चाइना की कुछ जो बड़ी कंपनियां थी उनको जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इन बड़ी कंपनियों में सबसे पहली कंपनी शाओमी है, जिसके आप मोबाइल देखते होंगे, अपनी इंडियन मार्केट में भी इस समय टॉप लेवल पे चल रही है शाओमी के मोबाइल्स जो हैं। उसके बाद में कुछ कंपनीज हैं जो कि माइनिंग में हैं, जो कि जैसे आपका समुद्र में खनन करती हैं, तो उन कंपनीज को भी काली सूची में डाला गया है। साथ ही साथ कुछ एविएशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, यानी कि जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। तो इन सारी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट में इसलिए डाला गया है, सबसे पहले शाओमी को तो इसलिए डाला गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो शाओमी है उसके जो संबंध है वो चाइना की मिलिट्री के साथ में रहते हैं, यानी कि जो अगर शाओमी का मोबाइल अगर यूएस के सिटीजन यूज करते हैं तो उनका जो डेटा है वो हो सकता है शाओमी जो है चाइना की आर्मी को बेच दे। उसके बाद में जो एविएशन वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको इसलिए बैन किया गया है क्योंकि ऐसा संभव है कि ये जो यूएस की टेक्नोलॉजी है उसको चोरी करने का प्रयास करें यूएस में काम करने के बाद में। और जो माइनिंग की कंपनीज हैं इनको इसलिए बैन किया गया है क्योंकि साउथ चाइना सी में आपको पता है कि वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, इन सब जो कंट्रीज हैं इनकी जो टेरिटोरियल वाटर है उसकी संप्रभुता, यानी कि उसकी जो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है चाइना। तो इस चीज को देखते हुए यूएस ने इन सारी कंपनीज को स्ट्रेटेजिक रूप से बैन कर दिया है और इनको काली सूची में डाल दिया गया है। स्पेशली जो एविएशन सेक्टर की कंपनीज और जो माइनिंग सेक्टर की कंपनीज हैं इनको इस इनको कॉमर्शियल ब्लैक सूची में डाला गया है, यानी कि अगर कोई भी यूएस की कंपनी इनके साथ में बिजनेस करना चाहती है तो उसको सबसे पहले यूएस की गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना होगा। उसके बाद में न्यूज निकली कि जो बाइडेन 20 तारीख को आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, तो उन्होंने कश्मीरी मूल की जो है 2 लेडीजों को अपने यहाँ उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें जगह दी हुई है। दूसरी जो महिला है जिनको जगह दी गई है वो है समीरा फाजली, जिनको राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उपनिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले कश्मीर की ही आयशा शाह को व्हाइट हाउस की डिजिटल रणनीति में पार्टनरशिप मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो ये कश्मीर की समीरा फाजली जी हैं ये इससे पहले बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल इकोनॉमिक फोरम में वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं और साथ ही साथ ट्रेजरी विभाग में सलाहकार भी रह चुकी है, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी बड़े बड़े जो पद हैं उनको सुशोभित किया हुआ है यूएस में। तो अब उनको फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो बाइडन के प्रशासन में दी जा रही है, तो ये कश्मीरियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और एक बड़ी न्यूज़ है और उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है, यही न्यूज़ है। उसके बाद में अमेरिकी संसद पर हमला करने वाले जो 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इसमें ये बताया जा रहा है न्यूज़ आर्टिकल में कि जिस प्रकार से यूपी में हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, उसी प्रकार से यूएस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं FBI बेसिकली, वहाँ पर FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो लगातार इन दंगाइयों के ऊपर इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई कर रही है और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा चलाया जाएगा, राष्ट्रीय और जो घरेलू आतंकवादी हैं उस तरीके के चार्जेस इन दंगाइयों के ऊपर लगाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 6 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल यानी कि संसद का जो यूएस की संसद परिसर है वहां पर हमला कर दिया था और काफी तोड़फोड़ मचाई जिसमें जो है 4-5 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी
उसके बाद में FBI अब इन लोगों को ढूंढ रही है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी की जा रही है। इस न्यूज आर्टिकल में एक चीज और निकली हुई है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे इन लगाइयों में जो कि पूर्व सैनिक थे या फिर पूर्व अधिकारी थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एक मिडिल क्लास व्हाइट ग्रुप है वहां का, जो कि ट्रंप का ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि इनसिक्योर फील करता है क्योंकि ट्रंप ने इस तरीके की इनसिक्योरिटी वहां पर फैला दी है, लोगों को इस तरीके की जो हेट्रेड है वो फैलाई हुई है कि जो उनकी जॉब्स हैं, उनकी जो आर्थिक या सोशल सिक्योरिटी है वो ब्लैक लोगों से या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं, जो विदेशों से आके अमेरिका में फंस जा रहे हैं उनसे उनको खतरा है, व्हाइट मिडिल क्लास को। तो इसी तरीके के लोग ज्यादा ट्रंप के सपोर्टर्स भी हैं। उसके बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि चीन का जो सिंजियांग क्षेत्र है वहां पर आपको पता है वीगर मुस्लिम्स रहते हैं और कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज रहती हैं। तो ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जो सिंजियांग क्षेत्र में जो वीगर मुस्लिम्स रहते हैं उनके खिलाफ ऐसा संभव है कि जीनोसाइड चल रहा हो, यानी कि नरसंहार जिसको बोलते हैं। और ये बताया गया है कि इसमें जो मेल उइगर मुस्लिम्स हैं उनको एक जगह पर कैद करके रखा जा रहा है और उनके खिलाफ में सिर्फ मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। जो पूरी कम्युनिटी है मानवाधिकार का सिर्फ हनन ही नहीं साथ ही साथ उनके ऊपर नरसंहार हो रहा हो वहां पर, ये भी चांसेस हैं। तो ये बात जो है ये आरोप US कांग्रेस ने चाइना के ऊपर लगाया हुआ है। उसके बाद में इंटरनेशनल न्यूज में ही एक न्यूज है कि US के जो सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में वो सिर्फ 2,500 बचे हुए हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल जब ट्रंप ने तालिबान के साथ में एक डील की थी जिसमें उन्होंने यूएस की जो फोर्सेस थी उनको अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए डील की थी, और ये तालिबान के साथ में बोला गया था कि तालिबान जो है किसी प्रकार की हिंसा या अराजकता अफगानिस्तान में नहीं फैलाएगा। तो फाइनली ट्रम्प सरकार जो है वो तालिबान के सामने झुक गई थी, हालांकि तालिबान ने बहुत ही कंफर्म तरीके से ये नहीं कहा था कि वो अपने हिंसात्मक जो उनका रवैया है उसमें परिवर्तन करेंगे, लेकिन फिर भी ट्रम्प ने चूंकि अपने यहाँ वादा किया हुआ था अपने लोगों से, देश से, कि वो US के सैनिकों को वापस ले आएंगे, इस वजह से उन्होंने ये कार्यवाही जल्दी से की, और चूंकि वो इलेक्शन का टाइम था इस वजह से भी उनको ऐसा करना पड़ा। तो फिलहाल आज के न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच।